हेलो, दिस साइड धर्मवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपी आईआईटी कॉलेज ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैक्सीन्स, कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन बेसिकली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो वीक्ड है या फिर जो किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स होती हैं उसको मिला के बनाई जाती है, जो कि हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम्स को फौरन जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम वैक्सीन्स को बनाते हैं। जैसे कि आजकल हमने कोरोना वैक्सीन्स बनाई हैं, वो भी आपके वीक या फिर जो किल्ड माइक्रोब्स हैं उनको मिला के बनाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ईजिली रिकॉग्नाइज होता है एंड और वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ काउंटर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बेसिकली जो टर्म है वैक्सीन हो या वैक्सीनेशन, ये वारियोले वैक्सीन से ये टर्म्स ली गई है, जो कि काऊ का जो स्मॉल पॉक्स है फर्स्ट टाइम एडवर्ड जेनर ने बनाई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। 1970 में जब एडवर्ड जेनर एक रूरल एरिया में रहते थे, वो बेसिकली फार्मर थे, तो उनके बच्चे को बीमारी हो गई थी, तो उसने देखा कि वो जब जो गाय का दूध दो रहा था उसको नहीं हुई, बाकी जो उसकी पूरी फैमिली है उसको जो है स्मॉल पॉक्स हो गया। तो 1796 में जेनर्स ने इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए और अपने 8 साल के बच्चे पे इसको टेस्ट किया। 6 हफ्ते बाद उसने देखा कि उसके बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं है, और फिर उसने इसकी एक्सटेंडेड स्टडी की और 1798 में इसके एक वैक्सीन्स को रिपोर्ट किया, जो कि बच्चों और एडल्ट के लिए सेफ थी। और जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स है वो लुईस पाशर ने 1880 में डेवलप की थी, जो कि चिकन कोलेरा और एंथ्रेक्स के अगेंस्ट थी। हमारे पास आजकल कई प्रकार की वैक्सीन्स हैं, जैसे कि लाइटेंटेटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, कंजुगेट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन्स एंड अदर रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। अब लाइव या अटेंटेटेड वैक्सीन्स में क्या होता है, इनके पास लिविंग माइक्रोब्स का एक वर्जन होता है जो कि भी किसी भी डिसीज़ को काज नहीं करते, क्योंकि हमारे जो वैक्सीन्स होते हैं वो नेचुरल इन्फेक्शंस के बिल्कुल सिमिलर्स होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक अच्छे टीचर्स की तरह हम कह सकते हैं कि ट्रीट करते हैं। जैसे कि वैक्सीन अगेंस्ट मील्स है, मम्प्स है और चिकन पॉक्स है। दूसरे होते हैं हमारे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। ये हमारे जो हमारे साइंटिस्ट ने जो कि हमारे जो भी डिसीज़ होगी उनकी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनको लेके ये वैक्सीन्स बनाई थी। वो उन्होंने क्या किया, इसके साथ केमिकल से या फिर हीट से या रेडिएशन से उसको किल कर दिया। और ये क्या होते हैं, ये सेफर भी होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं देन लाइव वैक्सीन्स, क्योंकि जो डेड माइक्रोब्स हैं वो वापस से म्यूटेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा है या पोलियो के है या हेपेटाइटिस ए के है या रेबीज के हैं। तीसरे होते हैं हमारे सब यूनिट वैक्सीन्स, जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एंटीजन्स डाल देते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम्स को स्टिमुलेट्स करते हैं, जैसे कि प्लैग इम्यूनाइजेशंस। चौथे होते हैं हमारे टॉक्सॉइड्स, इसके अंदर हम वैसे बैक्टीरिया लेते हैं जो कि एक टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, एक हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं, जो इसको हम कह सकते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। तो ये हम जैसे कि हमारा क्रोटोलाइज एट्रोक्सटोक्सोइड है, जो कि रैटल जो स्नेक बाइट होता है उसके अगेंस्ट हम इसको यूज़ करते हैं। अगला है हमारा कंजुगेट वैक्सीन्स। इफ़ ए बैक्टीरियम पोजिशन आउटर कोटिंग ऑफ शुगर मोलिकुल कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स एज मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया डू रिसर्चर्स में ट्राई टू मेकिंग ए कंजुगेट वैक्सीन फॉर इट, फॉर एग्जाम्पल हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन्स। अगले आते हैं हमारे डीएनए वैक्सीन्स, जो कि सेवरल टाइप बहुत ह्यूमन बींग्स में इसको टेस्ट किया गया है। इसने क्या किया है, एक इम्यूनाइजेशन की एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है,
ये हमारे जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, ये हमारे एज सिमिलर होते हैं हमारे डीएनए वैक्सीन के, बट दे यूज एज एन अटेंटुएटेड वायरस और बैक्टीरिया टू इंट्रोड्यूस द माइक्रोबियल डीएनए टू द सेल्स, फॉर एग्जाम्पल DBT। थैंक यू।